मैं नीतू अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर मानव विज्ञान, अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज, लखनऊ। आज मैं आपके समक्ष आपके कोर्स BANC 134 पुरातात्विक मानव विज्ञान के मूल तत्व के तहत इकाई 6 एवं 7 जलवायु पुनर्निर्माण की विधियों एवं चतुर्थक महाकल्प में हुए जलवायु परिवर्तनों के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। जब हम जलवायु परिवर्तनों की बात करते हैं तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वेदर क्या है और क्लाइमेट क्या है। वेदर किसी भी जगह के और किसी भी दिन और काल में जो शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं, शॉर्ट टर्म जलवायु की जो अवस्थाएं होती हैं उन्हें हम वेदर कहते हैं, जबकि क्लाइमेट जो है वो एक लंबे समय तक दीर्घकालिक जलवायु कंडीशंस के एवरेज को जो है हम क्लाइमेट कहते हैं, जैसे कि ओवर से 30 इयर्स पीरियड। जब भी हमने जलवायु परिवर्तन जलवायु पास्ट में जो भी क्लाइमेट्स रहे हैं उनको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है तो हमने देखा है कि अतीत में जो है टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। वो चेंजेस कभी कभी जो है वो डिकेडल होते हैं, कभी कभी वो सेंचुरियल स्केल होते हैं, कभी वो मिलेनियल स्केल होते हैं, और स्पेशल स्केल में भी वो जो है कभी कभी वो एक छोटे रीजन के में ही होते हैं और कभी कभी वो पूरे ग्लोब पर असर करते हैं। कुछ इनमें से कुछ चेंजेस जो है वो बहुत वाइड स्प्रेड और मैसिव रहे हैं। अब इनके बारे में हम जानते कैसे हैं, जानने के लिए जो है सबसे अच्छा तरीका ये है, क्योंकि जो ज़्यादातर नेचुरल फिनोमेना है वो जलवायु पर निर्धारित होते हैं। जलवायु पर निर्धारित होने की वजह से उनके स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ ऐसे तत्व मौजूद हो जाते हैं जो कि हमें एक जलवायु का प्रॉक्सी रिकॉर्ड प्रोवाइड करते हैं। अब हमारे पास जलवायु पुनर्निर्माण के बहुत सारे विधियां हैं। सबसे पहली जो विधि है वो है हिस्टोरिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल रिकॉर्ड्स। इसके अलावा हमारे पास कुछ बायोलॉजिकल या जैविक विधियां भी हैं, कुछ जियोलॉजिकल या भौगोलिक विधियां भी हैं, और उसके अलावा हम जो है आइस कोर और ओशन कोर्स की भी स्टडी कर सकते हैं। ये जो जलवायु पुनर्निर्माण है ये बहुत आसान नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। सबसे पहला ये है कि जो भी हमारा डेटा है वो बहुत कम है। रॉक्स फॉसिल्स जिनसे कि हम पुनर्निर्माण करते हैं जलवायु का वो बहुत कम मिलती हैं, क्योंकि ज़्यादातर डेटा जो है वो फिजिकल या केमिकल वेदरिंग की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है या इरोजन की वजह से। कभी कभी उसमें उसको स्टडी करने में भी प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि स्ट्रेटा जो है फोल्डेड हो गए हैं या फॉल्ट हो गया है या सेडिमेंटेशन रेट्स में वेरिएशन है। प्लस उसको कंपेयर करने के लिए हमारे पास कोई मॉडर्न एनालॉग्स नहीं है। अब इसमें सबसे बड़ी एक इशू ये आता है कि हम जलवायु का पुनर्निर्माण क्यों करें, इसकी आवश्यकता क्या है। जलवायु पुनर्निर्माण की आवश्यकता हमारे लिए इसलिए हो जाती है क्योंकि जलवायु से ही जो है प्लांट और एनिमल स्पीशीज अडैप्ट करती हैं। तो वो कौन से सिलेक्टिव प्रेशर्स थे जिन्होंने विभिन्न जीव जंतुओं को अफेक्ट किया, उनको जानने के लिए हमें जलवायु अतीत में कैसी रही है ये जानना जरूरी है। उसके अलावा जलवायु परिवर्तनों से मानवों ने किस प्रकार से अडैप्ट किया। मानव कभी सिर्फ अडैप्ट ही नहीं करते रहे हैं, मानव ने भी पिछले 10,000 सालों में मानव ने भी जलवायु पर असर छोड़ा है, और वो असर क्या है ये भी जानना जरूरी है।
और इन जलवायु परिवर्तनों, अतीत में हुए जलवायु परिवर्तनों से हम ये समझने की कोशिश कर सकते हैं कि आगे जो फ्यूचर में क्लाइमेट होगा उसका लोगों पर और नेचुरल सिस्टम्स पर क्या इम्पैक्ट होगा। अब हम बात करते हैं जलवायु पर पुनर्निर्माण की विधियों पर। सबसे पहले हम बात करेंगे यंत्रीय लेखों पर, इंस्ट्रूमेंटल रिकॉर्ड्स पर। ये जो इंस्ट्रूमेंटल रिकॉर्ड्स हैं इससे हमें जो है टेम्परेचर, रेनफॉल, स्नो, ह्यूमिडिटी, विंड, इसके अलावा हम सी लेवल प्रेशर और सी आइस एक्सटेंट को भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऐसे रिकॉर्ड्स हमारे पास 1850 से उपलब्ध है और ये जो डेटा है ये ऑथेंटिक माना जाता है। ऑल्दो इसमें कुछ बायस हो सकता है, जैसे रेजिडुअल अर्बन वार्मिंग की वजह से थर्मोमीटर मेजरमेंट्स में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। इसको जो है कभी कभी कुछ मिसिंग डेटा होता है उसको इंटरपोलेट करने के लिए हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐतिहासिक अभिलेख भी जो है, जैसे पुराने जो शिप्स थे उनके लॉग्स या जो किसान थे वो अपनी डायरी लिखते थे या न्यूज़पेपर के अकाउंट्स या रिटन रिकॉर्ड्स में हमें जलवायु परिवर्तनों के बारे में जानकारी मिल सकती है। अब जब हम बायोलॉजिकल मेथड्स की बात करेंगे, जैविक विधियों की बात करेंगे, तो सबसे पहले जो नाम आता है वो है ट्री रिंग डेटिंग मेथड का। ट्री रिंग्स जो है ये मेथड सबसे पहले जैसा कि हमने पिछले सत्र में बताया था एरिजोना यूनिवर्सिटी के ए.ई. डगलस ने डेवलप किया था। इसमें ये है कि हर साल वृक्ष में एक नई रिंग उत्पन्न हो जाती है और ये रिंग जो है जब वर्षा ज्यादा होती है उस समय के दौरान जो है ये चौड़ी रिंग उत्पन्न होती है और जब वर्षा कम होती है या समर मंथ्स में जो है वो रिंग नैरो होती है और ये रिंग्स जो है वो एक सेम स्पीशीज में सिमिलर पैटर्न शो करती हैं। और क्योंकि उसकी एनुअल पर आधारित होती है इसलिए जो ट्री की जो विड्थ, ट्री रिंग की जो विड्थ है वो हर साल अलग अलग हो सकती है। और इस तरह से जो है हम इन रिंग्स को काउंट करके, इनकी विड्थ को स्टडी करके, इसकी जो लेट विड्थ अर्ली वुड और लेट विड्थ की जो डेंसिटी है उसको हम स्टडी करके और उसके स्टेबल आइसोटोप कॉम्पोजिशन को स्टडी करके हम एक क्रोनोलॉजी डेवलप कर सकते हैं जिसमें हम ये बता सकते हैं कि कब कैसी जलवायु रही होगी। इस तरह के रिकॉर्ड्स हमारे पास पिछले 10,000 साल तक के हैं क्योंकि कुछ जो ट्रीज हैं उनकी जो क्रोनोलॉजीज हैं वो बहुत पीछे तक जाते हैं, ये हम पिछले सत्र में बता चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है सूक्ष्म जैविक जो रिमेन्स हैं या माइक्रोबोटानिकल रिमेन्स हैं उनसे भी हमें जो है प्लांट रिमेन्स के, प्लांट स्पीशीज के बारे में पता चल सकता है। इसके आधार पर हम किसी भी रीजन की वेजिटेशन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हम ये भी बता सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन कब हुए, एग्रीकल्चर का ओरिजिन कब हुआ वगैरह। इसमें जो है सूक्ष्म जैविक अवशेषों में जो है पॉलन या परागकण, स्पोर्स और फाइटोलिथ्स जो है सबसे महत्वपूर्ण है। पॉलन जो है वो माइक्रोस्कोपिक मेल रिप्रोडक्टिव पार्टिकल्स होते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट से रिलीज होते हैं। स्पोर्स जो है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट से रिलीज होते हैं, ये एसेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हो सकते हैं जैसे कि मॉसेस, फर्न्स और फंजाइस से। फाइटोलिथ्स जो है वो सिलिका बॉडीज होती हैं जो कि वैस्कुलर प्लांट्स में पाई जाती हैं। और एंजियोस्पर्म फैमिली में ये जो है फैमिली लेवल पर डायग्नोस्टिक हो सकते हैं और इनका सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो लीव्स में पाया जाता है जबकि ये वैसे तो प्लांट्स के सभी ऑर्गन्स में पाई जाती हैं। ये जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं ये ज्यादातर लेक और ओशन सेडिमेंट्स में ज्यादा आसानी से प्रिजर्व रह सकते हैं और इनके जो
टाइप है, इनका रिलेटिव अबेंडेंस या इनके एब्सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर हम वेजिटेशन हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। क्योंकि ये रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल के बने होते हैं, इसलिए ये अक्सर प्रिजर्व रह जाते हैं, और ये क्योंकि बहुत अबंडेंस में प्लांट्स द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं तो ये अक्सर हमें मिल सकते हैं। लेकिन ये ज्यादातर, जैसा कि हमने अभी बोला था, एनारोबिक एनवायरमेंटल कंडीशंस में या कभी कभी अलूवियल डिपॉजिट्स में भी पाए जाते हैं। इसको जो है एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम सेडिमेंट को वॉश करते हैं और उसको स्ट्रॉन्ग और एसिड्स और एल्कलाइन वॉशेस से ट्रीट करके उसका जो लेस रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक और मिनरल मैटर है वो निकाल देते हैं, और उसके बाद हम माइक्रोस्कोप में देखकर उसको उसके शेप और सरफेस टेक्सचर के आधार पर हम जेनरा और स्पीशीज लेवल तक आइडेंटिफाई करते हैं और पॉलन टाइप्स को काउंट करते हैं, और फिर उसका जो टोटल है हर एक टाइप का उसको हम एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स रिप्रेजेंट करते हैं, और इस तरह से हम एक पॉलन चार्ट बना लेते हैं, पॉलन स्पेक्ट्रा बना लेते हैं, जो कि हमें उस पर्टिकुलर जगह का पिक्चर ऑफ वेजिटेशन चेंजेस जो है वो दिखाता है। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे कि हम सेडिमेंट में कॉन्स्टेंट सेडिमेंटेशन रेट अज्यूम करके चलते हैं जबकि ऐसा नहीं है। उसके अलावा जो है वेजिटेशन और क्लाइमेट चेंज के बीच में कुछ अंतराल हो सकता है जो हम इसके द्वारा नहीं समझ सकते हैं। इसके अलावा जो है जो माइक्रोफॉसिल्स हैं उसमें डायटर्म्स, फोरामिनिफर्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, अकैंथेरिया, सीलिएट्स को भी हम स्टडी कर सकते हैं, और ये ज्यादातर लास्ट 2.5 मिलियन ईयर्स में जो प्लांट स्पीशीज हैं उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए ज्यादा यूज होते हैं। डाइटर्म्स जो है वो एल्गी किंगडम के माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर मेंबर्स होते हैं, ये ज्यादातर फाइन ग्रेन सेडिमेंट्स में ज्यादा प्रिजर्व रहते हैं। डाइटर्म्स जो है वो लोकल लेक और मरीन डिपॉजिट्स में लोकल हैबिटेट चेंजेस को इंडिकेट करने के लिए यूजफुल हो सकते हैं, या पास्ट लेक लेवल्स को जानने के लिए, या सी लेवल वेरिएशंस को स्टडी करने के लिए, या ह्यूमन एक्टिविटी से लेक इकोसिस्टम्स में क्या डिस्टर्बेंसेस हुए हैं। इसके अलावा जो है स्टार्च ग्रेन्स का एनालिसिस भी कर सकते हैं। स्टार्च जो है वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जो सीड्स, बल्ब, ट्यूबर्स में प्लांट्स के पाया जाता है, जैसे कि बार्ले, मेज, मिलेट, ओट्स, पोटैटो, राइस, वीट, याम, इन सब में पाया जाता है। स्टार्च का प्रिजर्वेशन ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए इसको जो है हम इस्तेमाल करते हैं जीनस और स्पीशीज लेवल की आइडेंटिफिकेशन के लिए, और इसको भी हम उसके साइज, शेप और ऑप्टिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर आइडेंटिफाई करते हैं, और इससे जो है हम पास्ट में जो जलवायु परिवर्तन रहे हैं या मानव की जो डाइट है उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। इसके अलावा इंसेक्ट्स का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ इंसेक्ट स्पीशीज जो है वो एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ क्लाइमेटिक फैक्टर्स से अडेप्टेड होती हैं, और जो इंसेक्ट असेंबलेजेस हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं क्लाइमेट रिकंस्ट्रक्शन में, इंडिविजुअल स्पीशीज को नहीं। ज्यादातर हम इसमें बीटल्स का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बीटल्स ज्यादातर जगह पाए जाते हैं और इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो आसानी से प्रिजर्व हो जाता है, और ये क्लाइमेट चेंज के सेंसिटिव इंडिकेटर्स हैं। इसके अलावा प्लांट मैक्रोफॉसिल्स का भी इस्तेमाल करते हैं हम जलवायु पुनर्निर्माण में, और ये मैक्रोफॉसिल्स जो है ज्यादातर जो है पीच ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो है वो हिस्टोसॉल्स में पाए जाते हैं। ये ज्यादातर हाई लैटिट्यूड एरियाज या मार्शी वेटलैंड्स, बॉग्स, स्वॉम्स वगैरह में हमें मिल सकते हैं, और ये मैक्रोफॉनल रिमेन्स जब कार्बनाइज्ड या मिनरलाइज्ड हो जाते हैं और एनारोबिक कंडीशंस में डिपॉजिट हो जाते हैं तो ये आसानी से प्रिजर्व हो जाते हैं।
ये ज्यादातर हमें जो है आइसी डेजर्ट्स या एरिड डेजर्ट्स में हमें, जहाँ पर एरियल या बैक्टीरियल डिकम्पोजिशंस नहीं होता है, वहाँ पर ये हमें मिल सकते हैं। और ये जो है अगेन डाइट और क्लाइमेट के बारे में हमें बताते हैं। इसके अलावा एनिमल मैक्रोफॉसिल्स का भी हम इस्तेमाल करते हैं, और उनके एनिमल और प्लांट्स के जो मॉडर्न बायोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनको भी हम स्टडी करते हैं, उनकी स्पीशीज डाइवर्सिटी, स्पीशीज हाइब्रिडाइजेशन, कॉन्टैक्ट एरियाज, सेंटर्स ऑफ एंडेमिज्म, इन सब का स्टडी करके जो है हम जलवायु पुनर्निर्माण कर सकते हैं। कोरल्स या प्रवाल का भी हम इस्तेमाल करते हैं जलवायु पुनर्निर्माण में। कोरल्स जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट या एरागोनाइट के बने होते हैं, और ये जो कार्बोनेट होता है इसमें ऑक्सीजन, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन होता है तो ये ऑक्सीजन आइसोटोप्स इसमें होते हैं, और इन ऑक्सीजन आइसोटोप्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं ये जानने के लिए कि जब ये कोरल्स बढ़ रहे थे तब जो पानी था उसका तापमान कैसा था। इसके लिए हम ऑक्सीजन आइसोटोप्स रेशियो या स्ट्रॉन्शियम कैल्शियम रेशियोज या जियोकेमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है भूगोलिक विधियों से भी जो है हम जलवायु पुनर्निर्माण कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे डिपॉजिट्स हैं जो कि टेरेस्ट्रियल डिपॉजिट्स हैं, जैसे ग्लेशियल डिपॉजिट्स, पेरी ग्लेशियल डिपॉजिट्स या विंड ब्लोन डिपॉजिट्स या लेक डिपॉजिट्स, या फिर जो है रिलिक्ट सॉइल्स या केव स्पीलियोथेम्स, कैल्साइट्स, इन सब का इस्तेमाल हम करते हैं। इसमें जो है ज्यादातर हम जो है मॉडर्न या फॉसिल लैंडफॉर्म्स को देखते हैं और उनको जो है फिजिकली मैप करते हैं, और उन लैंडफॉर्म्स को जो है स्टडी करके हम जलवायु का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले नाम आता है ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स का। ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स जो हैं वो हमें उस समय जब ये ग्लेशियर बना होगा उस समय का आइस कवर क्या रहा होगा, उसका एक्सटेंस क्या रहा होगा, उसकी थिकनेस क्या रही होगी और उसका बिहेवियर का क्या रहा होगा, यानी कि एक लोकल और रीजनल स्केल पर आइस का मूवमेंट और उसके रिट्रीट पैटर्न को हम इन ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स के द्वारा स्टडी कर सकते हैं। ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है मोरेन्स। जब ग्लेशियर एडवांस करता है या हिम नदी एडवांस करती है तो वो रॉक और डेब्री को जो है वो अपने साथ साथ खींच ले जाती है, और ये जहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं इन रॉक डेब्री के जो डिपॉजिट्स हैं उनको हम मोरेन्स बोलते हैं। और ये ग्लेशियर की इरोजनल एक्टिविटी से या हिम नदी की इरोजनल एक्टिविटी से प्रोड्यूस होते हैं। इनको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि ये ज्यादातर जो है अनकंसोलिडेटेड होते हैं, और इसमें हर तरह हर साइज के फ्रैगमेंट्स होते हैं, चाहे वो फाइन ग्रेन्ड सैंड या क्ले साइज फ्रैगमेंट्स हो और चाहे बड़े बड़े बोल्डर्स हो। और ये जो है इनमें कोई भी लेयर्स या कोई भी बेडिंग हमें नहीं दिखती है। इनकी पोजीशन के आधार पर इनको जो है हम ग्राउंड मोरेन्स, मिडिल मोरेन्स, लेटरल मोरेन्स या एंड मोरेन्स में विभाजित करते हैं। ये मोरेन्स जहां पर भी हमें मिलते हैं हम ये निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि वहां पर ग्लेशियर मौजूद रहा होगा। और इन ये जो टर्मिनल मोरेन्स हैं या एंड मोरेन्स हैं इसके द्वारा हम बता सकते हैं कि ग्लेशियर का जो मैक्सिमम एक्सटेंट रहा है वो कहाँ तक रहा होगा। इसके अलावा जो है ग्लेशियर के साक्ष्य जो है हमें यू शेप्ड वैलीज के फॉर्म में या हैंगिंग वैलीज या इराटिक्स के आधार पर या जो रॉक्स हैं उनमें जो ग्रूव्स और स्ट्राइशंस हैं या सुप्रा ग्लेशियल लेक्स के फॉर्म में भी हमें मिलते हैं।
ये जो ग्लेशियल सेडिमेंट्स हैं, ये ज्यादातर हमें नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में डिस्ट्रीब्यूटेड मिलते हैं या हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स में। और इनका जो क्लासिफिकेशन है वो उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज या उनकी पोजीशन के आधार पर होता है। ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स के बाद आती है बात पेरी ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स की। ये उन जगहों पर बनते हैं जहां पर कंटिन्यूस परमा फ्रॉस्ट हो, और ये कभी कभी एक रिलिक्ट के आधार पर प्रिजर्व रह सकते हैं। पेरी ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स में हम पैटर्न ग्राउंड, आइस वेज पॉलीगॉन्स, सॉर्टेड नेट्स या सर्कल्स या स्ट्राइप्स या रॉक ग्लेशियर्स या थर्मोकास्ट या पिंगोज या सॉलिफ्लक्शन डिपॉजिट्स को देखते हैं। ये जो पेरीग्लेशियल सेडिमेंट्स हैं, ये जब आइस जो है धीरे धीरे मेल्ट होती है तो उसमें क्या है, सेडिमेंट इनफिल होने लगता है, और उसकी वजह से सॉलिफ्लक्शन या क्रायोटर्बेशन की वजह से ये सेडिमेंट मूव होकर जो है वो धीरे से लोब की तरह से डिपॉजिट हो जाता है। और इन डिपॉजिट्स को स्टडी करके हम बता सकते हैं कि यहाँ पर परमाफ्रॉस्ट कंडीशंस रही होंगी, यानी कि कंटिन्यूअस परमाफ्रॉस्ट इज एज -8 डिग्री सेल्सियस, या जब 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान चला जाता है तब परमाफ्रॉस्ट कंडीशंस हो सकती हैं। इसके अलावा विंड ब्लोन सेडिमेंट्स जो हैं उनकी भी हम स्टडी करते हैं। विंड ब्लोन सेडिमेंट्स जो है उसमें ज्यादातर लोइस और कवर सैंड, जो कि मिड लैटिट्यूड एरियाज में या लो लैटिट्यूड एरियाज में सैंड सीस के फॉर्म में मिलती हैं। इससे भी जो है हमें साइक्लिकल क्लाइमेट चेंज के बारे में और ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लाइमेट के बारे में पता चलता है। ये लोइस सीक्वेंसेस कभी कभी 100 मीटर से भी ऊंची मिलती हैं। लोइस सीक्वेंसेस के अलावा हम रिवर टेरेसेस से भी जो है वो जलवायु परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये रिवर टेरेसेस जो है वो जब नदी एक हायर एलिवेशन पर रन कर रही थी और फिर उसका चैनल में डाउन कटिंग हो गई तो एक नया फ्लड प्लेन लोअर एलिवेशन पर बन जाता है। इस तरह से एक टेरेस या स्टेप बन जाता है वैली के साइड में, और धीरे धीरे फिर ये जैसे जैसे डाउन कटिंग होती जाती है ये रिवर टेरेस फॉर्मेशन हो जाता है। टेरेसेस जनरली जो है तब फॉर्म होते हैं जबकि डाउन कटिंग की वजह से, मतलब डाउन कटिंग क्यों होती है, क्योंकि क्लाइमेट में या हाइड्रोलॉजिकल उसमें चेंज होता है, या तो फ्लूवियल फ्लो का जो वॉल्यूम है वो कम होता है या क्लाइमेट में परिवर्तन होने की वजह से रिवर डायनेमिक्स में कुछ चेंज होता है। जब नदी में पानी ज़्यादा होता है तो नदी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो इरोजनल एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो नदी अपना बेड डीपन कर लेती है और एक टेरेस फॉर्म कर सकती है। इसके अलावा केव्स और कार्बोनेट्स की भी हम स्टडी करते हैं। केव्स जो है नेचुरल सेडिमेंट ट्रैप्स होती हैं और यहाँ पर इरोजन और वेदरिंग भी ज़्यादा नहीं होती है इन सेडिमेंट्स की। केव सेडिमेंट सीक्वेंसेस में जो है हमें क्लास्टिक डेट्रिटस मिलता है, जिसको कि रॉक रबल या वाटरलेन सेडिमेंट्स मिलते हैं जिसमें, या ऑर्गेनिक डेट्रिटस यानी कि स्केलेटल रिमेन्स मिलते हैं। उसके अलावा केव्स की वॉल्स पर या फ्लोर पर जो है हमें प्रेसिपिटेटेड कार्बोनेट्स मिलते हैं, या कि स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेगमाइट्स। ये जो स्टैलेक्टाइट या स्टैलेगमाइट है या केव स्पीलियोथेम्स या केव कार्बोनेट्स हैं, ये ज़्यादातर जो है केव्स में जो है जब पानी रिसता है तो उसमें जो है मिनरल्स का डिपोजिशन हो जाता है। ये सेकेंडरी मिनरल डिपॉजिट्स जो है इनको जो है हम स्टैलेक्टाइट्स या स्टैलेगमाइट्स के नाम से जानते हैं। ये ज़्यादातर लाइमस्टोन या डोलोस्टोन जो सोल्यूशनल केव्स होती हैं उसमें बनते हैं। इनसे जो है हमें
जलवायु परिवर्तनों के बारे में पता चल सकता है, क्योंकि इसमें अगेन हम ऑक्सीजन आइसोटोप रेशियो या उसका ग्रोथ रेट या उसके जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, उसके लैमिने हैं, वॉर्फ डिपॉजिट्स, वॉर्फ जो है मेल्टिंग ग्लेशियर से प्रो ग्लेशियर लेक्स में जो सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स होते हैं उनको हम वॉर्फ्स कहते हैं, और ये एनुअली जो है वो डिपॉजिट होते रहते हैं। और क्योंकि ये लाइट और डार्क कलर डिपॉजिट्स होते हैं, जिस प्रकार से ट्री रिंग्स होते हैं उसी तरह से लाइट और डार्क कलर के डिपॉजिट्स होते हैं, और हर साल के वॉर्फ्स को हम काउंट कर सकते हैं। जब समर में सेडिमेंटेशन ज्यादा एक्टिव होता है तो एक लाइटर लेयर डिपॉजिट जम जाता है, जबकि विंटर में जब लेयर ऑर्गेनिक कार्बन में रिच होती है तो एक डार्कर कलर डिपॉजिट बन जाता है, और ये मिलकर एक ईयर का डिपॉजिट बन जाता है। और लेक्स में जो है लो टेम्परेचर्स की वजह से वॉर्फ फॉर्मेशन जो है ज्यादातर ग्लेशियल वाटर्स में ही होता है, सी वाटर में जो है इनका सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो हर साल के वॉर्फ्स को हम काउंट करके जो है हम प्लीस्टोसीन ग्लेशियल डिपॉजिट्स की एज बता सकते हैं। इसके अलावा हम जो सेडिमेंट्स हैं उनको उनके पार्टिकल साइज, उनके सरफेस टेक्सचर, उनके ऑर्गेनिक कार्बन कॉन्टेंट, उनमें जो मेटालिक एलिमेंट्स मिल रहे हैं या हैवी मिनरल्स मिल रहे हैं, या उसकी क्ले मिनरोलॉजी या मिनरल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या आइसोटोपिक रेशियोज के आधार पर भी हम क्लाइमेट के बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा जो है हम आइस या ओशन सेडिमेंट्स में कोर्स ड्रिल करके उन सेडिमेंट कोर्स का ऑक्सीजन आइसोटोपिक कॉम्पोजिशन, उनमें जो फ्लोरा और फौना पाया जा रहा है या उनमें जो डायटर्म्स हैं उसके बारे में भी हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये जो डीप सी में जो सेडिमेंट्स हैं दे हैव बीन एक्युमुलेटिंग अनडिस्टर्ब्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, और इनसे जो है हमें सी वाटर टेम्परेचर या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर या ओशन सर्कुलेशन पैटर्न्स के बारे में जानकारी हासिल हो सकती है। जो आइस कोर्स हैं उनकी जो मेजर आयन्स हैं या आइसोटोप्स हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन के, स्ट्रॉन्शियम कैल्शियम के, जो उनकी जियोकेमिस्ट्री है उसमें जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं, जो उसमें ट्रैप्ड गैसेस हैं, जो उसमें डस्ट रिकॉर्ड्स हैं, या आइस का क्या एक्युमुलेशन रेट है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, आइस का फैब्रिक कैसा है, उसके आधार पर हम आइस कोर्स को स्टडी करते हैं। और ये आइस कोर्स और ओशन कोर्स जो है 1960s ऑनवर्ड्स जो है आइस कोर्स और ओशन कोर्स की स्टडी चालू हुई है, और इसने जो है जलवायु पुनर्निर्माण की पद्धतियों को और उसके बारे में जो हमारी जानकारी है उसको पूरा ही बदल दिया है और एक नया आयाम दिया है। इसमें अब ऑक्सीजन आइसोटोप्स जो है वो बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। ऑक्सीजन के तीन आइसोटोप्स या समस्थानिक होते हैं, मेन जो नेचुरली अकरिंग है, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18। इसमें हम ऑक्सीजन 18 और ऑक्सीजन 16 का रेशियो किसी भी सैंपल में हम कंपेयर करते हैं। अब क्योंकि ऑक्सीजन 18 हैवियर होता है ऑक्सीजन 18 से, तो जब वेपर बनता है तो इसमें जो है ज्यादा ऑक्सीजन 16 की मात्रा होती है, और जब ये कंडेंस होता है तो इसमें जो हैवियर आइसोटोप्स हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, और वाटर वेपर में धीरे धीरे जो है ऑक्सीजन 16 की मात्रा एनरिच हो जाती है, और जो रेजिडुअल लिक्विड है उसमें ऑक्सीजन 18 की मात्रा एनरिच होती जाती है। इस तरह से जो ग्लेशियल आइस है उसमें ऑक्सीजन 16 की मात्रा ग्लेशियल पीरियड्स में ज्यादा मिलेगी, जबकि ओशन वाटर्स में ऑक्सीजन 18 की मात्रा ज्यादा मिलेगी। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि उस समय ग्लेशियल पीरियड्स रहे होंगे, और ये जो प्रोसेस है जिसमें कि वाटर वेपर में ऑक्सीजन 16 एनरिच होता जाता है, इस प्रोसेस को हम फ्रैक्शनेशन कहते हैं। और ये ऑक्सीजन 18 और 16 के जो रेशियोज हैं वो पिछले 6 मिलियन ईयर्स तक के हमने
निर्धारित कर लिए हैं और इसके बारे में अभी हम आगे जानकारी हासिल करेंगे। अब हम बात करेंगे कि ये नूतन जीव महाकल्प के बारे में और उसकी जो उसमें जो क्वॉटर्नरी या चतुर्थक महाकल्प के बारे में और उसमें जो जलवायु परिवर्तन हुए हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जब हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करें या भौगोलिक जो टाइम स्केल बनाया गया है उसकी बात करें तो इसमें जो सबसे नूतन काल है वो है सेनोजोइक या नूतन जीव महाकल्प। इसका नाम ही नूतन जीव या सेनोजोइक रखा गया है क्योंकि लाइफ एनिमल लाइफ, तो सेनोजोइक मीनिंग न्यू लाइफ। और इसमें मानव वैज्ञानिकों का जो है इसमें ज्यादा रुचि इसलिए है क्योंकि यही वो काल है जिसमें कि प्राइमेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस की उत्पत्ति हुई और उनका डाइवर्सिफिकेशन हुआ। प्राइमेट्स के अलावा इस काल में जो है मैमल्स का भी डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, इसलिए इसको हम एज ऑफ मैमल्स भी कहते हैं। और जब हम अर्थ की हिस्ट्री की बात करते हैं तो इसको जो है उसकी लिथोलॉजी, जैसा कि हमने पिछले सत्र में बताया था, उसकी लिथोलॉजी, उसकी स्ट्रैटिग्राफी, लिथोस्ट्रैटिग्राफी या बायोस्ट्रैटिग्राफी के आधार पर और रेडियोमेट्रिक डेटिंग के आधार पर हमने उसको जो है कई भागों में विभाजित किया है। तो जो मेजर डिविजन्स हैं उसको हम इयॉन्स बोलते हैं, जिसमें कि हमारे पास हार्डीन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक और फैनेरोजोइक इयॉन्स हैं। और हार्डीन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक को मिलाकर हम प्री कैम्ब्रियन सुपर इयॉन के नाम से जानते हैं। इन इयॉन्स को फर्दर जो है ईरास में डिवाइड किया गया है और ईरास को पीरियड्स, एपॉक्स और एजेस में। तो इसमें जो है फैनेरोजोइक को जो है फर्दर जो है वो पेलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक ईरास में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि हमारे रुचि की जो है वो है सेनोजोइक ईरा। सेनोजोइक ईरा को फिर जो है पेलियोजीन, नियोजीन और क्वॉटर्नरी पीरियड्स में विभाजित किया गया है। पेलियोजीन को पेलियोसीन, ईओसीन और ओलिगोसीन एपोक में, नियोजीन को मायोसीन और प्लायोसीन एपोक में और क्वॉटर्नरी को प्लीस्टोसीन, होलोसीन एपोक में फर्दर डिवाइड किया गया है। अब ये जो सेनोजोइक एरा है इसमें प्राइमेट्स का एवोल्यूशन और ह्यूमन एवोल्यूशन इसी दौरान हुआ और ज़्यादातर जो मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं या ग्रासेस हैं उनका भी एवोल्यूशन और रेडिएशन इसी समय हुआ है, इसलिए ये काल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसमें जब हम बात करते हैं तो इसमें जो है हम हमारे लिए अगेन चतुर्थक महाकल्प जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इस सेनोजोइक काल में जो भी चेंजेस हुए हैं मेजर उसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो सेनोजोइक है ये रफली 65 मिलियन ईयर्स पहले पेलियोसीन एपॉक से चालू होता है। ये क्रिटेशियस काल के खत्म होने पर जब डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन हो जाता है तो जो इकोलॉजिकल नीश है जो डायनासोर्स छोड़ जाते हैं वो मैमल्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं और मैमल्स का डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। पेलियोसीन की शुरुआत में जो है वो छोटे, ज्यादातर जो मैमल्स थे वो छोटे आकार के थे, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो कई तरह के इकोलॉजिकल नीश ऑक्यूपाई करते गए वैसे वैसे वो बड़े होते गए। पेलियोसीन में जो हमें फॉसिल एविडेंस मिलता है उसमें ज्यादातर स्मॉल अर्ली प्राइमेट्स मिलते हैं, प्लीजियोडेपिड्स, मार्सुपियल्स और मोनोट्रीम एनिमल्स के फॉसिल्स मिलते हैं। इसके बाद आता है ईओसीन। ईओसीन जो है वो 56 मिलियन ईयर्स पहले चालू होता है
और करीब 34 मिलियन ईयर्स पर ख़त्म हो जाता है। ये लगभग 22 मिलियन ईयर्स तक चलता है। इस दौरान जो क्लाइमेट था वो वार्म और ह्यूमिड था। इसमें जो हमें मैमल ग्रुप्स मिलते हैं उसमें पेरिसोडैक्टल्स, आर्टियोडैक्टल्स, प्रोबोसिडियंस और रोडेंट्स जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं। इस दौरान जो है वो अडैपिड्स का अडैप्टिव रेडिएशन होता है और इस पीरियड के एंड में जो है वो क्लाइमेट जो है धीरे धीरे कूल हो जाता है और जो रेन फॉरेस्ट थे उनकी जगह अब ओपन वुडलैंड्स आ जाते हैं। फिर आता है ओलिगोसीन एपोक जिसमें कि कूलिंग ट्रेंड कंटिन्यू करता है और इसमें जो है वो मैमल्स जैसे कि हॉर्सेस, डियर, कैमल्स, एलिफेंट्स, कैट्स, डॉग्स और प्राइमेट्स ये जो है वो फैल जाते हैं सभी कॉन्टिनेंट्स पर। और लेट ओलिगोसीन में जो है ग्रासलैंड्स और प्रेरीज का एक्सपेंशन होता है। इस दौरान जो है जो हमें अर्लीस्ट न्यू वर्ल्ड मंकीज जो है वो इसी समय में से हमको मिलते हैं और अर्ली एंथ्रोपॉइड्स जैसे कि पैरापिथिकस, इजिप्टोपिथिकस के फॉसिल्स भी हमें इस समय से मिलते हैं। फिर आता है मायोसीन एपोक जो कि 23 मिलियन ईयर से लगभग 5 मिलियन ईयर्स तक चलता है। इसमें जो है ओलिगोसीन के कंपैरिजन में जो है वार्मर क्लाइमेट था और ग्रासलैंड्स जो है लेकिन वो एक्सपैंड कर रहे थे जबकि फॉरेस्ट कवर डिक्रीज कर रहा था। इस दौरान जो है वो एप्स जो है वो पृथ्वी पर उनका एवोल्यूशन और डाइवर्सिफिकेशन होता है जैसे कि जाइगेंटोपिथिकस, शिवापिथिकस और ड्रायोपिथिकस के फॉसिल्स इसी काल से हमें मिलते हैं। और इसके अंत में जो है वो सबसे अर्ली जो होमिनिन्स हैं उनके भी फॉसिल्स हमें मिलते हैं जैसे कि सेलेंथ्रोपस एंड ओरोरिन ट्यूजनेंसिस के। उसके बाद आता है प्लायोसीन एपोक जो कि 5 मिलियन ईयर से लगभग 2.58 मिलियन ईयर्स तक चलता है। इस दौरान जो है कॉन्टिनेंट्स जो है धीरे धीरे अपनी प्रेजेंट पोजिशन की तरफ ड्रिफ्ट करते हैं और क्लाइमेट जो है धीरे धीरे कूल और ड्राई होता है और यूरेशिया में जो है प्राइमेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कम हो जाता है और इसी दौरान जो है वो हमें फॉसिल रिकॉर्ड्स में जो है बहुत सारे होमिनिन फॉसिल्स मिलते हैं। उसके बाद आता है क्वार्टनरी एपोक जो कि 2.5 मिलियन ईयर से लेकर लगभग 11,700 साल पहले तक रहा जिस दौरान जो है वो मॉडर्न ह्यूमंस का एवोल्यूशन हुआ है। इसके बाद आता है होलोसीन काल जिसमें कि हम आज जिस काल में हैं उसे होलोसीन कहते हैं। इस दौरान क्लाइमेट जो है थोड़ा सा वार्म हो जाता है। अब हम सब जब बात करते हैं चतुर्थक महाकल्प या प्लीस्टोसीन के बारे में तो प्लीस्टोसीन हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस काल में मानव की उत्पत्ति और मानव का उद्विकास होता है और इसमें जब हम जलवायु की बात करते हैं तो इसमें ये काल बहुत यूनिक रहा है क्योंकि इससे इस काल में सबसे पहले हमें जो है वो अत्यधिक कोल्ड कंडीशंस या ग्लेशिएशंस या आइस एजेस के एविडेंसेस मिलते हैं। इसलिए इसको कभी कभी हिमयुग के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो एविडेंसेस हैं सबसे पहले 19वीं शताब्दी में लुई अगासी ने ये बताया था कि जो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में कुछ अनयूजुअल से दिखने वाले भौगोलिक फीचर्स हैं जो शायद ग्लेशिएशन के प्रमाण हो सकते हैं कि यहाँ पर कभी ग्लेशियर्स रहे होंगे। फिर इस पर एक बहुत लंबी डिबेट छिड़ी। फिर ये एक्सेप्ट धीरे धीरे साइंटिस्ट एक्सेप्ट करने लगे कि हाँ जो है यहाँ पर कॉन्टिनेंटल ग्लेशिएशंस के हमें एविडेंसेस मिलते हैं। शुरुआत में जो है वो एक ही ग्लेशियर की मान्यता थी इसलिए हम उसे हिमयुग को ये चतुर्थक महाकल्प को प्लीस्टोसीन को हम
आइस एज के नाम से भी जानते थे या हिमयुग के नाम से भी। फिर हमें पता चला कि ये एक कंटिन्यूअस आइस एज नहीं थी, बल्कि इसमें सीरीज ऑफ कोल्ड पीरियड्स हमें मिलते हैं, जिसमें कि बीच बीच में हमें वार्मर एपिसोड्स देखने को मिलते हैं। ये जो कोल्ड फेजेस हैं, इनको हम हिमानी अवस्था या ग्लेशियल फेज कहते हैं, जबकि जो वार्मर फेजेस हैं, इनको हम हिम प्रत्यावर्तन या इंटरग्लेशियल के नाम से जानते हैं। प्लीस्टोसीन काल में जो है आइस शीट्स जो है आज की अवस्था के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा फैली हुई थी, और ये अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और हायर ऑल्टीट्यूड माउंटेन से एक्सपैंड होकर जो है लगभग 39 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड तक जो है वो ग्लेशियल कंडीशंस प्रिवेल कर रही थी। यानी कि जिन कंट्रीज में आज टेम्परेट क्लाइमेट है, नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज में, वहाँ पर उस समय पोलर रीजन्स के जैसी, आर्कटिक कोल्ड जैसी अवस्था थी, और वहाँ पर आइस शीट्स जो है वो आच्छादित रही थी। इसमें जो है 1905 में एक भू वैज्ञानिक थे एडवर्ड ब्रकनर एंड एल्ब्रेक्ट बैंक, इन्होंने जो है एल्प्स के जो रिवर्स हैं उनके डिपॉजिट्स को स्टडी करके जो है उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर जो है शायद 4 ग्लेशियल स्टेजेस के हमें साक्ष्य मिलते हैं, और इनको उन्होंने उन एल्प्स के जो ट्रिब्यूट में रन करने वाली रिवर्स के नाम पर उनका नाम रखा, गुंस, मेंडल, रिस एंड वुर्म, और इनके बीच जो है इनको सेपरेट करने वाली इंटरग्लेशियल स्टेजेस थी। सबसे पहला काल था गुंस, गुंस और मेंडल के बीच में गुंस मेंडल इंटरग्लेशियल, फिर मेंडल ग्लेशियल, फिर मेंडल रिस इंटरग्लेशियल, फिर रिस ग्लेशियल, फिर रिस वर्म इंटरग्लेशियल एंड देन वर्म ग्लेशियल पीरियड। और ये जो एल्पाइन क्रोनोलॉजी थी ये धीरे धीरे बहुत एक्सेप्ट हो गई, और फिर इसके आधार पर जो है लोगों ने और भी जगहों पर, इंक्लूडिंग हिमालयस में, पिरेनीज में, सब जगह जो है इस तरह से ग्लेशियल स्टेजेस के साक्ष्यों को ढूंढना चालू किया है। और ये जो ग्लेशियल पीरियड्स थे, इस समय दौरान जो है सी लेवल जो है लगभग 500 फीट से भी ज्यादा नीचे तक गिर गया था। तो ये जो ग्लेशियल फेजेस हैं, इनका जो मानव पर असर रहा होगा वो बहुत ही व्यापक रहा होगा, क्योंकि ग्लेशियल पीरियड्स में सी लेवल के गिरने से बहुत सारे नए लैंड एरियाज जो है वो मानव को ऑक्यूपाई करने के लिए मिले होंगे। ग्लेशियल पीरियड जो है उसको हम डिफाइन करते हैं एक बहुत इंक्रीज्ड प्रेसिपिटेशन वाले कोल्ड पीरियड से, जिसमें कि हायर ऑल्टीट्यूड्स पर स्नो फॉर्मेशन होता है और वो सॉलिडिफाई आइस के फॉर्म में होकर जो है वो ग्लेशियर या हिमनद बनाती है। अब ये जो प्लीस्टोसीन ग्लेशिएशंस रहे हैं, ये किस कारणों से इस तरह के जलवायु परिवर्तन रहे होंगे? इससे पहले हम ये बात कर लें, ये जब पेंकिन ब्रकनर ने ये जो क्रोनोलॉजी, फोर फेस क्रोनोलॉजी दी थी, ये धीरे धीरे बहुत ही पॉपुलर हो गई, और इसके आधार पर यूएसए में, यूरोप के और भी स्थानों पर, इंडिया में और अफ्रीका में भी प्लूवियल इंटरप्लूवियल स्टेजेस को डिफाइन किया गया है। लेकिन फिर जब 1960s में ऑक्सीजन, ये आइस और ओशन कोर्स लिए गए और उनमें जो है ऑक्सीजन आइसोटोप रेशियोज देखे गए, तब ये देखा गया कि सिर्फ एक नहीं, दो नहीं या चार ग्लेशियर्स नहीं, बल्कि जो क्वार्टनरी पीरियड के लास्ट 2.5 मिलियन ईयर्स में जो है हमें एटलीस्ट 103 ऑक्सीजन आइसोटोप स्टेजेस के प्रमाण मिलते हैं। इवन जो लास्ट 1 मिलियन ईयर का रिकॉर्ड है उसमें भी हमें एटलीस्ट 22 ऑक्सीजन आइसोटोप स्टेजेस देखने को मिलते हैं। इसका मतलब कि ये जो पीरियड रहा था प्लीस्टोसीन, इसमें जो है कई बार जलवायु परिवर्तन हुए हैं, और
इन जलवायु परिवर्तनों में ग्लेशियल इंटरग्लेशियल फेजेस जो है वो कई बार आई हैं, और इवन इन ग्लेशियल और इंटरग्लेशियल फेजेस के बीच में भी हमें स्टेडियल और इंटरस्टेडियल फेजेस देखने को मिलती हैं। स्टेडियल फेजेस मतलब इंटरग्लेशियल के पीरियड के बीच में जो है छोटे काल का जो कोल्ड पीरियड है उसको हम स्टेडियल पीरियड कहते हैं, और ग्लेशियल पीरियड के बीच में जो है जो वार्म क्लाइमेटिक कंडीशंस, शॉर्ट स्केल वार्म क्लाइमेटिक कंडीशंस है, उनको हम इंटरस्टेडियल पीरियड्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जलवायु परिवर्तन किस वजह से हुआ है। ये जलवायु परिवर्तन जो है वो लार्ज स्केल भी रहे हैं और स्मॉलर स्केल चेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं। ज्यादातर लोगों ने कहा कि ये शायद कुछ एटमॉस्फेयर के कॉम्पोजिशन में जो चेंजेस हैं उनमें उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड और मिथेन का कॉन्सेंट्रेशन है उसमें चेंजेस की वजह से, या अर्थ की जो ऑर्बिट है सन के अराउंड उसमें चेंजेस की वजह से, या टेक्टोनिक प्लेट्स के मोशन की वजह से, जो कॉन्टिनेंटल और ओशनिक क्रस्ट है उसका रिलेटिव लोकेशन चेंज हो जाने की वजह से, विंड और ओशन करंट्स चेंज होते हैं, या सोलर आउटपुट में वेरिएशंस की वजह से, या जो अर्थ मून सिस्टम की ऑर्बिटल डायनेमिक्स है, या लार्ज स्केल मीटियोराइट्स के इम्पैक्ट की वजह से, या वल्केनोस की वजह से, बहुत सारे ऐसे हाइपोथेसिस दिए गए कि शायद इन कारणों से ये चेंजेस हुए होंगे। नाउ ये इनमें से ज्यादातर फैक्टर्स जो है वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि जो अर्थ का एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन है उससे क्लाइमेट चेंज होता है, और क्लाइमेट चेंज जो है वो फिर से एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन को चेंज कर सकता है। तो इट इज लाइक अ फीडबैक मैकेनिज्म जिससे धीरे धीरे और ज्यादा क्लाइमेट चेंज या ठंड बढ़ सकती है। इसमें जब हम बात करते हैं तो लार्ज स्केल क्लाइमेटिक चेंजेस पर जो है हमारा एम्फेसिस है, जबकि जो स्मॉल स्केल बाइनियल या डेकेडल ऑसिलेशंस जो हैं उन पर हम इसमें चर्चा नहीं करेंगे। इसमें जो हाइपोथेसिस दी गई हैं प्लीस्टोसीन ग्लेशिएशंस को समझाने के लिए, उसमें सबसे एक हाइपोथेसिस है सोलर रेडिएशन हाइपोथेसिस या सूर्य विकिरण हाइपोथेसिस। इसमें जो है ये कहा गया है कि सोलर रेडिएशन के आउटपुट में चेंज की वजह से जो है जो अर्थ पर रेडिएशन हमें रिसीव हो रहा है उसमें चेंज होता है, और सन का जो रेडिएशन है वो उसके क्वालिटी में भी और उसके क्वांटिटी में भी चेंज होता रहता है, क्योंकि सन स्पॉट्स के नंबर में अक्सर चेंज होता है, जिसकी वजह से सोलर रेडिएशन के क्वालिटी में चेंज होता है, और सोलर स्पेक्ट्रम का जो अल्ट्रावायलेट रेंज है उसमें चेंज भी होता है, जिसकी वजह से जो है वो सोलर रेडिएशन में चेंज होता है। इस तरह के शॉर्ट टर्म सोलर एक्टिविटी साइकिल्स जो है बहुत सारे लोगों ने स्टैब्लिश करी हैं। कुछ लोगों ने 11 to 22 ईयर साइकिल्स स्टैब्लिश करी, फिर कुछ लोगों ने 80-90 ईयर सन स्पॉट साइकिल्स की भी बात करी है। और सन स्पॉट एक्टिविटी और ईस्ट अफ्रीकन रेनफॉल और लेक लेवल्स के बीच जो है इंस्ट्रूमेंटल रिकॉर्ड्स के थ्रू भी कोरिलेशन पाया गया है। तो ये जो सोलर एक्टिविटी है इसमें और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में जो है हमें स्ट्राइकिंग कोरिलेशंस मिलते हैं, और ये जो सन स्पॉट्स है इसके हमें टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस 1610 से मिलते हैं, और 1640 से 1710 के बीच में जो है वो ऑलमोस्ट सन स्पॉट्स जो है नियरली एब्सेंट मिलते हैं, जिसको मॉन्डर मिनिमम के नाम से जाना जाता है, और इसी काल में जो है हमें लिटिल आइस एज या के प्रमाण भी मिलते हैं। तो इस प्रकार जो है सोलर रेडिएशन हाइपोथेसिस भी जो है वो कुछ हद तक जो है वो जलवायु परिवर्तनों को एक्सप्लेन करने के लिए बताई गई है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्केल पर जो है इसका रिलेशनशिप शो कर पाना
मुश्किल है। और ये जो सोलर एक्टिविटी है इसमें वेरिएशन किस वजह से होता है ये भी जानना बहुत मुश्किल है। दूसरी हाइपोथेसिस जो है वो है एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी हाइपोथेसिस। इसमें जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो सोलर रेडिएशन आ रहा है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के कॉम्पोजिशन की वजह से वो सोलर रेडिएशन जो है वो चेंज हो जाता है। पर्टिकुलरली जैसे जब वोल्केनिक एमिशन होता है तो डस्ट क्लाउड्स, एलिवेटेड डस्ट लेवल्स हो जाते हैं या डस्ट क्लाउड्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो बैकस्कैटर हो जाता है और वो अर्थ तक नहीं आ पाता है। इस तरह की जो है डस्ट क्लाउड्स जो है वो करीब एक किसी वोल्केनिक इरप्शन के बाद 1 से 2 साल या 10 साल तक रह सकते हैं। और इस तरह के डस्ट क्लाउड्स अक्सर जो है ऑब्जर्व किए गए हैं वोल्केनिक एमिशंस के बाद। और इवन ये भी देखा गया है कि जो लिटिल आइस एज थी उस दौरान जो है वोल्केनिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो गई थी। तो इवन जो अंटार्कटिका से जो बर्ड आइस कोर लिया गया है उसमें भी जो लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमा है 20,000 से 16,000 के बीच में हमें हाई वोल्केनिक डस्ट लेवल्स मिलते हैं। दूसरी जो हाइपोथेसिस है वो टेक्टोनिक अपलिफ्ट के वजह से जो माउंटेन रेंजेस या ओरोजेनी की वजह से जो एल्प्स और रॉकी और हिमालयन माउंटेन्स के अपलिफ्ट की वजह से भी जो है क्लाइमेटिक चेंजेस को एक्सप्लेन किया गया है। एंड इसकी वजह से जो कॉन्टिनेंट्स की एवरेज हाइट है वो बढ़ गई और उसकी वजह से जो सरफेस टेम्परेचर्स हैं वो लोअर हो गए, स्पेशली हायर ऑल्टीट्यूड्स और लैटिट्यूड्स पर, जिसकी वजह से कोल्ड और ग्लेशियल कंडीशंस उत्पन्न हो गए। अब लेकिन ये सारी हाइपोथेसिस जो है वो लॉन्ग टर्म्स लार्जर स्केल क्लाइमेटिक चेंजेस को एक्सप्लेन करने में उतनी उपयोगी नहीं सिद्ध हुई हैं। लॉन्ग टर्म्स क्लाइमेटिक चेंजेस को एक्सप्लेन करने के लिए जो हाइपोथेसिस दी गई है वो है जो आज तक सबसे उपयोगी मानी गई है, उसे हम क्रॉल मिलानकोविच हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। ये सबसे पहले जो है जे एफ आधेमार ने 1842 में बताया था कि सन के रिलेशन में जो अर्थ की पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन है उसमें चेंजेस की वजह से जो सोलर रेडिएशन मिलता है उसमें चेंजेस होते हैं। और इनके व्यूज को जेम्स क्रॉल ने 1860s में डेवलप किया और फिर फर्दर मिलानकोविच ने 1920s में डेवलप किया। मिलानकोविच ने उसको एक्सप्लेन करने के लिए 3 मेन एस्ट्रोनॉमिकल फैक्टर्स की बात करी है जो कि साइक्लिकल मैनर में होते हैं। सबसे पहला है कि जो अर्थ की ऑर्बिट है उसकी एक्सेंट्रिसिटी में चेंजेस होते रहते हैं, उसकी सर्कुलरिटी में चेंजेस होते हैं। अर्थ की जो ऑर्बिट है वो नियरली सर्कुलर से एलिप्टिकल होती जाती है और ये जो चेंज है वो लगभग हर 96,000 ईयर्स में अर्थ की ऑर्बिट जो है वो गोलाकार से अंडाकार होती जाती है। जब सर्कुलर ऑर्बिट होती है या गोलाकार होती है तो इसका मतलब विंटर और समर सीजन जो है वो इक्वल लेंथ के हैं क्योंकि सन से इक्वल अमाउंट ऑफ हीट मिल रही है। लेकिन जब ये अंडाकार हो जाती है तो समर और विंटर सीजन्स की लेंथ में अंतर आ जाता है। दूसरी जो एस्ट्रोनॉमिकल फैक्टर है वो है अर्थ की जो अपनी धुरी पर जो रोटेट करती है उसकी जो टिल्ट है, जो एक्लिप्टिक की ऑब्लिकिटी है, उसमें भी चेंज होता है। आज अर्थ जो है 23.5 डिग्रीज पर टिल्टेड है अर्थ के ऑर्बिट के प्लेन में, लेकिन ये जो साइकिल है ये 21.39 डिग्री से 24.36 डिग्रीज के बीच में जो है वो चेंज होती रहती है अर्थ की एक्सिस। और ये लगभग हर 41,000 ईयर्स में ये साइक्लिकली चेंज होती है। जब टिल्ट कम होती है तो इसका मतलब कि सीजन्स के बीच में कंट्रास्ट कम है, यानी कि विंटर पोल्स पर परपेचुअल विंटर है, और जबकि टिल्ट ज्यादा होने का मतलब है कि समर और विंटर डिफरेंट सीजन में ज्यादा डिफरेंसेस होना, यानी कि पोल्स पर भी समर
सीजन हो सकता है। ये जो टिल्ट ज्यादा होने पर क्या होता है कि सीजनल डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन से दूर हो जाता है और कूलर कंडीशंस प्रिवेल करती हैं। और ये एस्टिमेट किया गया है कि अर्थ की ऑर्बिट में जो टिल्ट में जो चेंज होने की वजह से 1 से 5 डिग्री का सेल्सियस का चेंज आ सकता है, जिसके जो कि ग्लेशियल फेज लाने के लिए सफिशेंट होता है। थर्ड जो है वो है अर्थ की एक्सिस जो है वो वबल करती है हर 21,000 साल में, या जब अर्थ जो है अपने सन के नियरेस्ट होता है वो टाइम, उसे हम पेरिहीलियन कहते हैं, ये वेरी करता है। अर्थ एक टॉप या स्विवल की तरह से अपनी एक्सिस पर वॉबल कर जाती है। आज की तारीख में जो है ये पेरिहीलियन या वो समय जब सन अर्थ सन के करीब होती है वो जनवरी में आता है, लेकिन अगले जो में आएगा। तो इसकी वजह से भी जो है वो जलवायु परिवर्तन हो सकते हैं। तो हमने इस में ये देखा कि जलवायु परिवर्तन को का पुनर्निर्माण करने के लिए हमारे पास क्या विधियां हैं। उसमें हमने जैविक विधियों के बारे में बात करी, हिस्टोरिकल और इंस्ट्रूमेंटल रिकॉर्ड्स के बारे में बात करी, जो कि हमें ज़्यादातर सिर्फ पिछले इंस्ट्रूमेंटल रिकॉर्ड सिर्फ 1850 से अब तक जाते हैं और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जब से हमारे पास ऐतिहासिक अभिलेख हैं। लेकिन जब हम प्रागैतिहासिक काल में जलवायु परिवर्तनों की बात करते हैं तो हमें इनडायरेक्ट या प्रॉक्सी रिकॉर्ड से ही बात करनी पड़ती है, जो कि हमें जैविक या भूगोलिक अवशेषों से मिलते हैं। उसमें हमने ट्री रिंग्स के बारे में बात करी, प्लांट मैक्रोफॉसिल्स के बारे में, प्लांट एंड एनिमल माइक्रोफॉसिल्स एंड मैक्रोफॉसिल्स के बारे में, कोरल्स के बारे में बात करी, और केव कार्बोनेट्स के बारे में बात करी, टेरेस्ट्रियल लैंडफॉर्म्स जैसे कि ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स, पेरीग्लेशियल लैंडफॉर्म्स, लेक रिकॉर्ड्स, वॉर्व डिपॉजिट्स, इन सब के बारे में हमने बात करी। और हमने ये देखा कि किस तरह से हम जलवायु का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा हमने क्वॉटनरी पीरियड में या प्रातिनूतन काल में जो है वो अर्थ की जलवायु कैसी रही है, इसके बारे में क्या क्या अवधारणाएं हैं, कैसे लोगों ने इसके बारे में स्टडी किया, ये भी हमने जानने की कोशिश करी। और हमने ये देखा कि लॉन्ग टर्म क्लाइमेटिक चेंजेस जो है वो शॉर्ट टर्म ऑसिलेशंस के साथ चलते रहे हैं, और इसके जो एविडेंसेस हैं वो हमें लैंड, आइस और ओशन फ्लोर से मिलते हैं। लेकिन इन डिपॉजिट्स को कोरिलेट करना जो है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एविडेंसेस को डिफरेंट लोकेशंस में जो है उनको आपस में कोरिलेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एविडेंस हमारे पास ज्यादातर इनडायरेक्ट या प्रॉक्सी के फॉर्म में होती है, जो कि हमने अभी देखा था, और प्रिसाइज डेटिंग अक्सर डिफिकल्ट होती है। उसके बाद हमने बात करी कि ये जो ओशन शीट्स हैं, आइस हैं, बायोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के बीच जो एक कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन है, उसको हम किसी भी सिंपल कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप में नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो क्वॉटनरी क्लाइमेट पर एग्जर्ट कर रहे हैं कंट्रोल, जैसे कि कुछ एक्सटर्नल ऑर्बिटल फोर्सिंग प्रोसेसेस हैं, कुछ इंटरनल पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक्स हैं इस प्रकार जो है। लेकिन फिर भी क्वॉटनरी रिसर्च जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्यूचर क्लाइमेटिक चेंजेस को प्रेडिक्ट करने के लिए। तो इस प्रकार जो है हमने इस मॉड्यूल में जो है जलवायु परिवर्तनों के बारे में बात करी, उनका पुनर्निर्माण क्यों जरूरी है और हम वो कैसे करते हैं और जलवायु परिवर्तन क्यों होते हैं, इसके बारे में हमने बात करी। धन्यवाद। अगले सत्र में हम फिर मिलेंगे।